तो कहानी शुरू होती है 1893 गंडगोसला गांव से। यहाँ पर हम एक दलाल सुलेमानी झाट को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी की डील करने के लिए गंडगोसला गांव जा रहा होता है। तभी घोड़ा गाड़ी तेज चलाने की वजह से उसमें बैठा एक आदमी बाहर निकलकर गाड़ी को धीरे चलाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शाम होने वाली है और शाम होने से पहले ही उन्हें उस गांव में पहुंचना था। इसलिए घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है और वो सभी शाम होने से पहले एक गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सफर में सुलेमानी झाट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद घोड़ा गाड़ी वाला सुलेमानी का सामान वहीं पर ही उतार देता है, जिस पर सुलेमानी उसे कहता है कि तुम मेरा सामान यहाँ पर क्यों उतार रहे हो, मैंने तो तुम्हें गंडगोसला गांव जाने के लिए बोला था। लेकिन इस पर घोड़ा गाड़ी वाला उसे कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी गांड फट रही है। तभी वहां पर खड़ा एक बूढ़ा सुलेमानी झाट से पूछता है कि तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। सुलेमानी कहता है कि मुझे वहां पर किले में ड्रैकुला से मिलने जाना है एक प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए। अब ये सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों की एक साथ गांड फट जाती है और वो सभी उसे वहां जाने से मना करने लगते हैं, क्योंकि ड्रैकुला कोई इंसान नहीं था, एक वैम्पायर था। तभी वहां पर एक टट्टो की बुजारन उसके पास आती है जो कि उसे 10 रुपए में एक क्रॉस बेचकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो भी वहां से पैदल ही किले की तरफ निकल जाता है और कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि पूरा किला सुनसान पड़ा हुआ है। तभी वहां पर एंट्री होती है लंड के टोपे ड्रैकुला की, जिसे इंसानों का गंदा खून पीना बहुत पसंद था। फिर सुलेमानी झाट उसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देता है और लंदन में बने हुए एक सुनसान घर को उसे बेच देता है। तभी कागज से सुलेमानी झाट की उंगली कट जाती है, जिससे उसकी उंगली में से पिचकारी की तरह खून बाहर आने लगता है। अब उसका बहता खून देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसी रात को सुलेमानी झाट उसके किले में ही सोता है, जहाँ पर दो बड़े बड़े संतरों वाली वैम्पायर आती हैं, जो कि ड्रैकुला की पत्नियां हैं। तभी वो दोनों सुलेमानी पर टूट पड़ती है और उससे अपनी पिंकी पिटवाने की कोशिश करने लगती हैं। वहीं सुलेमानी भी अपना हथियार निकालकर उन्हें रगड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है और उन्हें भगा देता है। इसके बाद वो सुलेमानी झाट से कहता है कि तुम सिर्फ एक सपना देख रहे थे। लेकिन जब सुलेमानी उसकी बात मानने से मना कर देता है तो वो ड्रैकुला उस पर अपना काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है। फिर अगली रात वो दोनों एक पानी के जहाज में बैठकर इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि ओल्ड मॉन्क का पौवा पीकर मस्त अपने ताबूत में सोया हुआ था। लेकिन तभी वो ताबूत जिस रस्सियों से बंधा था वो रस्सियां टूट जाती हैं और वो ताबूत इधर उधर लुढ़कने लगता है, जिससे ड्रैकुला को उल्टी आने लगती है। तभी वो जोर से आवाज लगाकर सुलेमानी झाट को बुलाता है और तभी सुलेमानी वहां पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूतिया भी उस ताबूत के साथ ही झूलने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी गांड का पूरा जोर लगाकर उस ताबूत को रोक ही लेता है। तभी उसमें से ड्रैकुला बाहर निकलता है और उसे अब बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो जहाज में मौजूद सभी लोगों का खून चूस जाता है। अगले दिन जहाज लंदन पहुंचता है, जहां पर जहाज में सभी लोगों की लाशों के साथ अकेला सुलेमानी झाट ही बचा था, क्योंकि ड्रैकुला तो अपनी गांड बचाकर रात को ही वहां से गायब हो गया था। अब इन सभी लोगों के कत्ल का इल्जाम सुलेमानी झाट पर लगा दिया जाता है और उसे पागल समझकर पागलखाने भेज दिया जाता है, क्योंकि ड्रैकुला के वश में होने की वजह से उसके दिमाग का भांग बोसड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि एक ऑडिटोरियम में जाता है और वहां पर अपने नए पड़ोसी भोफड़ी वाले चाचा से मिलता है, जो कि उस पागलखाने का मालिक है जहां पर सुलेमानी झाट कैद है। वहीं पर हम देखते हैं भोफड़ी वाले चाचे की बेटी अंगूरी देवी और उसके फियोंसे पप्पू पाइल्स को, और साथ ही उसकी बेटी की कच्ची में कच्ची वाली फ्रेंड जोशीली झाट को। वहीं जब ड्रैकुला जोशीली झाट को देखता है तो उसका छोटा पप्पू खड़ा होकर सलामी देने लगता है। इसके बाद सभी अपने घर पहुंच जाते हैं और वहीं ड्रैकुला अपनी बालकनी में आकर जोशीली झाट को देख रहा होता है। वहीं जोशीली झाट भी उसे अपने शरीर का एक एक अंग अच्छे से दिखा रही थी। इसके बाद वो सोने चली जाती है और तभी ड्रैकुला चमगादड़ बनकर उसके पास आ जाता है और अपने गमछे से उसको ढककर उसका खून पी जाता है। अगले दिन जोशीली झाट का सारा जोश खत्म हो चुका था, क्योंकि रात को ड्रैकुला उसके शरीर का आधा खून चूस चुका था। अब बाकी के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बहन की घोड़ी ने कल रात किससे मरवाई है जो इसकी ऐसी हालत हो गई है। तभी भोफड़ी वाले चाचा को उसकी गर्दन पर किसी के दांतों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी उनको समझ नहीं आता कि इस गंडमरी की यह हालत किसने की है। तो वो वहां पर जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर आंडल को बुलाते हैं। फिर जब डॉक्टर आंडल जोशीली झाट की गर्दन पर दांतों के निशान देखता है तो वो कहता है कि ये किसी से मरवाकर नहीं आई, बल्कि ये निशान वैम्पायर के हैं, जिसने इसके शरीर का आधा खून चूस लिया है, और वो उसका बचा हुआ खून चूसने के लिए कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें कैसे भी उसको रोकना होगा, नहीं तो जोशीली झाट का काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कमरे में चारों तरफ लहसुन की माला टांग देते हैं, क्योंकि वैम्पायर को लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है। फिर उसी रात ड्रैकुला फिर से जोशीली झाट का बाकी बचा हुआ खून चूसने के लिए अपना पिछवाड़ा उठाकर पहुंच जाता है, लेकिन लहसुन की वजह से वो उसके पास नहीं जा पाता, तो वो वहां से अपने चमचे सुलेमानी झाट से मिलने पागलखाने पहुंच जाता है और उसे वहां से निकालकर सीधा जोशीली झाट के घर पर ले आता है।
अब यहाँ पर सुलेमानी लहसुन को हटाने लगता है, लेकिन तभी वो जोशीली जाट को देखता है और उसकी चद्दर को उठाकर उसकी सुरंग में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बोफड़ी वाले चाचा और पप्पू पाइल्स कमरे में आ जाते हैं और उसे उठाकर वापस पागलखाने भेज देते हैं। वहीं पर ड्रैकुला भी ये सब देख रहा होता है और वो सुलेमानी जाट को गालियां बकता है। इसके बाद वो दोनों खिड़की और दरवाजे बंद करके वहां से चले जाते हैं और वहीं ड्रैकुला बाहर खड़ा होकर जोशीली जाट पर अपना वशीकरण करने की कोशिश करता है। अब जोशीली जाट भी उसके काबू में आ जाती है और अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर चली जाती है। इसके बाद ड्रैकुला उसे एक पत्थर पर लिटा देता है और उसका बाकी बचा हुआ सारा खून पी जाता है। लेकिन तभी वहां पर बोफड़ी वाले चाचा की बेटी अंगूरी देवी ड्रैकुला को उसका खून चूसते हुए देख लेती है और चिल्लाने लगती है। फिर बोफड़ी वाले चाचा और पप्पू पाइल्स दौड़कर जोशीली जाट के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक तो उसका काम तमाम हो चुका था। फिर रात को जोशीली जाट को एक कॉफिन में बंद करके वहीं पर दफना दिया जाता है। लेकिन वहीं घर पर डॉक्टर अंडल को लग रहा था कि वो अभी भी जिंदा होकर वापस आ जाएगी, इसलिए उन लोगों को एक लकड़ी की कील लेकर उसे उसकी हूत में घुसाना होगा ताकि वो वैम्पायर ना बन सके। तभी वहां पर लंड का टोपा ड्रैकुला भी जोशीली जाट के फ्यूनरल पर अपना दुख जताने आता है। वहीं डॉक्टर अंडल को उसे देखकर शक होने लगता है क्योंकि उसके यहां पर आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर एक रखवाले को जोशीली जाट के ताबूत के पास छोड़ दिया जाता है ताकि वो उसकी रखवाली कर सके। लेकिन तभी उसे ताबूत में से आवाजें आने लगती है, जिसको देखने के लिए वो गार्ड जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाता है तभी वो देखता है कि जोशीली जाट जिंदा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, जोशीली उस पर टूट पड़ती है और उसका सारा खून पी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वहां पर देखने के लिए पप्पू पाइल्स आता है तो उसे जोशीली जाट जिंदा मिलती है, जो कि उसे अपनी हूत का लालच देकर उसका खून चूसने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर अंडल क्रॉस दिखाकर उसे डरा देता है और वो जाकर वापस अपने ताबूत में बंद हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर अंडल पप्पू पाइल्स को लकड़ी का कील और हथौड़ा देता है और कहता है कि यही सही मौका है इसकी हूत में ये कील घुसाने का। इसके बाद पप्पू पाइल्स उस कील को लेकर जोशीली की हूत में घुसा देता है और तभी वहां से 5-6 बाल्टियां खून निकलकर उसके ऊपर गिरता है और इसके बाद से जोशीली जाट कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाएगी। इसके बाद हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि खून का अभी भी प्यासा था, इसलिए वो वापस बोफड़ी वाले चाचा के घर पर जाता है और वहां से अंगूरी देवी को उठाकर अपने घर पर ले आता है। फिर वो वहां पर उसके साथ सलमान भाई के गानों पर डांस करता है और साथ ही उसका आधा खून चूस जाता है, क्योंकि वो भी उसे एक वैम्पायर बनाना चाहता था। फिर अगले दिन पप्पू पाइल्स अपनी फियोंसे अंगूरी देवी से मिलने जाता है और देखता है कि अंगूरी देवी हवस के प्यास में तड़प रही है। तभी वो पप्पू पाइल्स को अपने करीब लाती है और उसे अपनी पिंकी पिटवाने को कहती है। लेकिन तभी वहां पर बोफड़ी वाले चाचा पहुंच जाते हैं और उनको देखकर अंगूरी देवी सारा इल्जाम पप्पू पाइल्स पर लगा देती है। इसी दौरान वहां पर डॉक्टर आंडल भी आ जाते हैं और पप्पू पाइल्स उन्हें बताता है कि अंगूरी देवी के साथ कुछ तो अजीब है। तभी डॉक्टर आंडल उसे भी चेक करता है और पाता है कि ड्रैकुला ने उसे भी काट लिया है। तभी डॉक्टर उसके हाथों पर क्रॉस रखता है, जिसको देखकर वो वहीं बेहोश हो जाती है और उसके हाथ पर जलने का निशान आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर अंडल सभी को बताने लगता है कि हमें जल्दी से ड्रैकुला को खत्म करना होगा, नहीं तो अंगूरी देवी का हाल भी वही होगा जो कि जोशीली जाट का हुआ था। इसलिए वो अगली रात को एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वो ड्रैकुला और उसके वफादार कुत्ते सुलेमानी जाट को भी बुलाते हैं। फिर जब ड्रैकुला अंगूरी देवी के साथ डांस कर रहा होता है तभी डॉक्टर अंडल वहां पर एक बड़े आईने से पर्दा हटाते हैं जो उन्होंने डांस स्टेज पर छुपाया हुआ था, जिससे जब ड्रैकुला अंगूरी देवी के साथ डांस कर रहा होता है तो उसकी परछाई आईने में नहीं दिखाई देती। आप सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ड्रैकुला को भी पता चल जाता है कि सभी ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो अंगूरी देवी को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं उसका वफादार कुत्ता सुलेमानी जाट भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके पीछे वो तीनों भी जाने लगते हैं। फिर ड्रैकुला अंगूरी देवी को एक कमरे में ले जाता है और उसका खून चूसने की तैयारी करने लगता है, पर तभी वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सभी मिलकर ड्रैकुला से लड़ने लगते हैं। लेकिन ड्रैकुला उन सभी पर भारी पड़ता है और वो पप्पू पाइल्स को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी डॉक्टर वहां की खिड़की खोल देता है, जिससे धूप आने लगती है और ड्रैकुला उससे जलने लगता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए चमगादड़ बनकर छत पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी छत पर सुलेमानी जाट, जो दिमाग से पूरी तरह बावली गांड हो चुका था, वो छत की पलाई हटा देता है और कहता है कि बॉस आप यहाँ से निकल जाओ। अब उसके इस कांड से धूप सीधा अंदर आ जाती है और उसे ड्रैकुला जलकर भस्म हो जाता है और मरते मरते भी वो सुलेमानी जाट को गालियां बक रहा होता है। अब उसके मरते ही अंगूरी देवी वापस ठीक हो जाती है और पप्पू पाइल्स उसे उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सुलेमानी जाट को देखते हैं, जो कि रोता हुआ वहां पर आता है और ड्रैकुला की राख उठाकर उसे उसके ताबूत में डाल देता है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।